चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है। चचा को गच्चा दे दिया। अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पॉक्सो संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। एक घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है एक घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं, दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामले में 181 की सेवा है, घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कॉल कर सके इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पॉक्सो संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10